नमस्कार साथियों, मेरे पीछे जो आप सरोवर देख रहे हैं उसका नाम है कीरत सागर। ये चंदेल राजा कीर्ति वर्मन ने बनवाया था। सन 1060 ईस्वी में इसका निर्माण चालू हुआ था और 40 वर्षों की अथक मेहनत के बाद बना था। लेकिन इस तालाब के बारे में एक सबसे खास बात यह है कि इसमें पारस पत्थर है, जिसे पारस मणि भी कहते हैं। पारस पत्थर, पारस मणि के बारे में जानते हैं आप लोग? ये एक ऐसा पत्थर होता है जिसमें लोहा इससे जब टच कराते हैं तो वो सोने में तब्दील हो जाता है और वो इस तालाब में पड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब चंदेल राजा परमार हमारे जो थे आलाउदल उन्हीं के राज्य में सेनापति थे, उन्होंने उसको यहाँ पर फेंकवा दिया था। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि महोबा पर दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान ने सन 1182 में आक्रमण किया था और इसी कीरत सागर के तट पर, ये देखिए आपको जो घाट दिख रहे हैं मेरे पीछे, वहाँ पर एक लड़ाई हुई थी जिसे भुजरियों की लड़ाई कहते हैं। एक दिन उस लड़ाई में जो है लड़ाई एक दिन चली और पृथ्वीराज चौहान को हार का मुँह देखना पड़ा और वापस जाना पड़ा। उसके बाद वो एक बड़ी सेना लेकर यहाँ आया, करीब 1.25 लाख सैनिकों की, और उसने महोबा पर हमला किया। उसमें उसने कहा कि मुझे 3 चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें आप दे दीजिए तो हम महोबा पर हमला नहीं करेंगे, अदरवाइज हम महोबा को तहस नहस कर देंगे। उसमें 3 चीज़ों में एक पारस पत्थर भी था जो राजा परमाल के पास था, और दूसरा उसने मांगा एक नौलखा हार, और तीसरा हमारी राजकुमारी चंद्रावल। इन तीनों को उसने मांगा तो राजा परमाल ने सोचा कि हम किसी भी कीमत पर कोई भी चीज़ उसे नहीं देंगे पृथ्वीराज चौहान को। उन्होंने पारस मणि जो थी, पारस पत्थर, उसको इस तालाब में फेंकवा दिया। क्योंकि ये जो कीरत सागर का तालाब है अब तो अपने दुर्दिनों में है, देख रहे हैं आप इसमें पानी भी बहुत कम है और पूरे में जलकुंभी भरी हुई है और सूख गया है, इसमें चारों ओर अतिक्रमण भी हो गया है। नहीं तो पहले ये चांदो एक गांव पड़ता है हमारे यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर, वहाँ तक था। और इसी में उन्होंने, राजा परमार ने, पारस मणि फेंकवा दी और पृथ्वीराज चौहान को नहीं दी। तो ये इसकी कहानी है कि पारस मणि महोबा में पाई जाती है। इसके लिए के कहा भी जाता है कि पारस मणि गढ़ महोबे में लोहो छुअत सोना हो जाए, एक बुंदेली में कहा गया है, आला में भी इसका जिक्र आता है। तो वही ये हमारा जो कीरत सागर है बहुत ऐतिहासिक है, इसमें वो पारस मणि पड़ी हुई है। इसको अगर वो पारस मणि आज मिल जाए तो क्या होगा हमारे क्षेत्र का, बुंदेलखंड का, जो बदहाली है, गरीबी है, वो सारी चीज़ दूर हो सकती है और हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार को भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। क्योंकि हमारा बुंदेलखंड तो हीरे की और जवाहरात सब चीज़ों की खान रहा है। तो ये जो कीरत सागर है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि कीरत सागर एक चंद्रावल नदी हमारे यहाँ है जिसका नाम राजकुमारी चंद्रावल, जो राजा परमाल की बेटी थी, उन्हीं के नाम पे पड़ा। तो चंद्रावल नदी की एक सहायक नदी थी चंदनौर, उस नदी पर एक बांध कीर्ति वर्मन चंदेल नरेश जो थे उन्होंने बनवाया। सन 1060 ईस्वी में ये काम प्रारंभ हुआ और वो करीब 35 वर्षों की अथक मेहनत के बाद ये बांध तैयार हुआ था। और इस बांध में फिर बहुत पानी था उस समय और इसकी कोई थाह नहीं ले पाता था, तो इसीलिए इसमें पारस मणि डाली गई थी
और पारस मणि की कहानी जहाँ तक है कि लोगों को आज काल्पनिक लगती है, लोग सोचते हैं कि पारस मणि पारस पत्थर जैसी चीज कैसे हो सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पारस मणि या पारस पत्थर जैसी कोई चीज हो। लेकिन हमारे जो इतिहास में दर्ज है पारस मणि की कहानी, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारा जो चंदेल वंश है उसकी शुरुआत 831 ईस्वी से प्रारंभ हुई। काशी के गहरवार राजा इंद्रजीत थे, उनके राजपुरोहित थे एक हेमराज, उनकी बेटी थी हेमवती। तो उनकी जो बेटी हेमवती थी वो बहुत ही सुंदर थी, उन पर मोहित हो गए थे चंद्रमा चंद्रदेव जिन्हें हम लोग कहते हैं, और इन्होंने जो है उनसे मिलके उनसे दोनों के प्रेम के बाद एक संतान पैदा हुई। जो संतान पैदा हुई, चूंकि शादी नहीं हुई थी तो हेमवती उस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बच्चा पैदा हुआ। चंद्रदेव ने उनको बहुत ढाढ़स बंधाया कि नहीं, ये बच्चा जो होगा वो बहुत बड़ा शूरवीर होगा और देश दुनिया में पूरा नाम करेगा। उस बच्चे का नाम ही चंद्रदेव रखा गया बाद में, चंद्रवर्मन, चंद्रदेव ने चंद्रवर्मन रखा, और उसी को ये पारस मणि दी गई थी। ये जो पारस मणि पारस पत्थर था ये उसको प्रदान किया गया ताकि वो धन धान से परिपूर्ण रहे, कभी पैसे की उसे कमी ना हो। तो वो जो चंद्रवर्मन थे हमारे, वो उन्हीं ने चंदेल वंश की नींव रखी थी और वो यहीं पे पले बड़े। और उसके बाद मनियागढ़ में वैसे वो पले बड़े, वहाँ उनको लाया गया था, हेमवती आई, और उसके बाद 831 ईस्वी से 845 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उन्हीं के पास पारस मणि थी, ये पारस पत्थर था जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता गया, सभी चंदेल राजाओं के पास वो रहा। और हमारे जो चंदेल राजा थे उन्होंने अद्भुत अद्भुत चीज़ें बनाई, और चंदेल वंश और चौहान वंश अपने भारतवर्ष में दो सबसे महत्वपूर्ण वंश थे, जिन्होंने अपनी वीरता के झंडे अपनी और गौरवशाली इतिहास बनाया। उनका लोहा सभी ने माना, उनका राज बहुत लंबा था पर उनकी राजधानी हमारे महोबा में थी। तो वही जो पारस मणि मिली थी चंद्रवर्मन को, चंद्रवर्मन से वो धीरे धीरे राजा परमाल तक आई, 300 वर्षों तक रही इन लोगों के पास, और 1182 में जो पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई उसमें उसको यहाँ फेंक दिया गया। उसके बाद जब एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा अपने महोबा क्षेत्र में राज्य में, तो उस पारस मणि की खोज की गई, ये तालाब पूरा सूख गया था पीछे से, तब इस पर हाथियों को घुमाया गया, उनके पैरों में जंजीर बांधी गई लोहे की, शायद कहीं जो पारस पत्थर है पारस मणि है वो किसी हाथी के पैर से टकरा जाए। और इत्तेफाक से बताते हैं कि एक हाथी के पैर में जो जंजीर थी लोहे की वो सोने की हो गई थी, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि वो हाथी कहाँ घूम रहा था और वो पारस मणि कहाँ है। काफ़ी खोजा गया लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाए। अब हमें लगता है जिस तरह से गर्मी इस बार पड़ रही है, भीषण गर्मी का हम लोग सामना कर रहे हैं, 40 से 45 इस समय तो लगातार 44 टेम्परेचर चल रहा है डिग्री सेल्सियस, तो लगता है कि हमारा ये तालाब जो कीरत सागर है फिर सूखने की कगार पर है। हो सकता है इस गर्मी के आखिर तक पहुंचते ये भी सूख जाए, और फिर मौका है हम चाहें तो उस पारस मणि को पारस पत्थर को खोज सकते हैं, प्रशासन चाहे तो उस पर कुछ काम कर सकता है, लेकिन ये सब सपने हैं
भविष्य की बातें हैं, इस पर ज़्यादा नहीं बात करनी चाहिए। पर कीरत सागर का जो गौरवशाली अतीत है, यहाँ पर दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान को महोबा के सूरवीरों ने आलाउदल और लाखन मलखान सब ने हराया था, तो ये ऐतिहासिक कीरत सागर आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। और यहीं पर इसी में पारसमणि भी है, हमारा बुंदेलखंड का महोबा का चंदेल वंश का इतिहास जुड़ा हुआ है। पीछे देख रहे हैं आप इसके, वो सामने गोरखगिरी पर्वत दिख रहा है, उसकी छटा दिख रही है। इस तरफ देखिए, ये हमारा महोबा नगर दिख रहा है और वो घाट दिख रहे हैं। तो पारस मणि, पारस पत्थर बताते हैं कि केवल महोबा में ही था और कहीं नहीं था। और इसके बारे में तो कई कहानियां हैं, एक कहानी मैं और छोटी सी बताऊं। कहते हैं कि पारसमणि एक ब्राह्मण के पास थी। एक दूसरी कहानी है जिस पे भरोसा थोड़ा किया जा सकता है पर नहीं भी किया सकता है, पर आज उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। पारसमणि एक ब्राह्मण के पास थी, उसे किसी लकड़हारे ने दी थी, लकड़हारे को मिली थी वो। और वो जब लकड़ी काट रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी छूट गई ऊपर से और वो नीचे गिर गई। जहाँ गिरी वहाँ पर वो उस कुल्हाड़ी सोने की हो गई, उसका जो लोहे का हिस्सा होता है आगे का। फिर उसने वो बहुत धनी हो गया जो लकड़हारा था, उसने एक बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली लोहे से सोना बना के। और बाद में उसने जब गृह प्रवेश किया अपने घर में, तो वो पारसमणि उसने ब्राह्मण को दे दी। ये खबर राजा परमाल को चली कि एक ब्राह्मण के पास पारस पत्थर है। उन्होंने उसको बुलाया और उससे ले लिया, कहा कि ये राज की संपत्ति है, तुम दे दो। और उससे जबरदस्ती पारस पत्थर ले लिया गया। जब ये ले लिया गया तो वो देने को तैयार नहीं था और उसने राज दरबार में ही आत्महत्या कर ली, अपने सीने में कटार भोंक के। तो राजा परमार को लगा कि हमसे एक ब्रह्म हत्या हो गई, इसका पश्चाताप करना होगा, और इस पारस पत्थर के चक्कर में ये हुआ। तो उन्होंने उस पारस पत्थर को यहाँ पर फेंकवा दिया अपनी आत्मग्लानी को दूर करने के लिए। उन्होंने इस ब्राह्मण के नाम पर एक मंदिर भी बनवाया जो मनिया देव कहलाता है, और हमारे मदन सागर जो दूसरा महत्वपूर्ण तालाब है उसके तट पर वो मंदिर आज भी है। तो इस तरह से दो कहानियाँ पारस पत्थर के बारे में मशहूर हैं और जो इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन कुछ भी हो, दोनों कहानियों में से कोई भी सच हो, कोई भी एक गलत भी हो सकती है, पर ये चीज़ ज़रूर तय है कि पारस पत्थर, पारस मणि हमारे महोबा में था। चंदेल राजाओं के पास पारस पत्थर था, वो पारस पत्थर जो लोहे को सोना बना देता था, पर आज वो पारस पत्थर हम लोगों के लिए एक सपना बन चुका है, अविश्वसनीय चीज़ बन चुका है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण रोचक जानकारी है जिसे मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता था। जय जय बुंदेलखंड, जय जय भारत।